हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सेप्टिक टैंक किस तरह से वर्क करता है। तो ये जो इमेज दिख रहा है, ये सेप्टिक टैंक की इमेज है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए बनाई गई है। इस सेप्टिक टैंक में तीन चैम्बर हैं। मिड वाले चैम्बर का साइज बड़ा है क्योंकि जो हमारे सीवेज होता है उसका डिकम्पोजिशन इसी चैम्बर में होता है। जो लेफ्ट वाला चैम्बर दिख रहा है वो इनलेट की तरफ है और राइट वाले चैम्बर आउटलेट की तरफ है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनलेट से हमारा सीवेज एंटर करता है फर्स्ट चैम्बर में। फर्स्ट चैम्बर के बाद जो वेफल वॉल है इसमें होल होता है नीचे की मिड डाउन में। वहाँ से जो हमारा वेटेज सीवेज होता है वो मिड चैम्बर में एंटर करता है और यहाँ उस सीवेज का डिकम्पोजिशन होता है, जिसके लिए कीड़े होते हैं वो इस सीवेज का डिकम्पोज करके वाटर अलग कर देते हैं और सीवेज डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ से जो वेस्ट वाटर होता है हमारा वो थर्ड चैम्बर में एंटर करता है। थर्ड चैम्बर से एंटर करने से पहले जो बीच का वेफल वॉल है उसमें मिड में होल होता है, जहाँ से वेस्ट वाटर थर्ड चैम्बर में एंटर करता है और थर्ड चैम्बर से ये वेस्ट वाटर आउटलेट के लिए बाहर चले जाता है। अब इसके बाद क्या सिस्टम होता है कि अगर आपके पास ड्रेनेज सिस्टम है वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करने के लिए, तो यहाँ से पाइप ड्रेनेज सिस्टम के लिए कनेक्ट कर जाता है। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है आपके पास तो आपको ये जैसा कि स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सोक पिट बनाना पड़ता है। इसको हम सोक पिट कहते हैं। इसका सोक पिट, इसका काम क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको सोखना होता है। तो अगर आपके पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है घर के लिए तब इस तरह का स्ट्रक्चर सोक पिट बनाना पड़ता है। अभी सोक पिट क्या होता है, सोक पिट के मिड में सबसे पहले 2 फीट का ये रेक्टेंगुलर होल होता है। ये रेक्टेंगुलर होल किस तरह बनाया जाता है, ये ब्रिक वर्क करके बनाया जाता है जो हनी कम होता है। हनी कम कहने मतलब कि जो मधुमक्खी छत्ते होता है उसके जैसा होता है, इस बीच बीच में होल होता है, जैसे कि दिख रहा है मिड में होल है तो होल होता है ताकि वेस्ट वाटर जो होता है सही तरीके से पूरे एरिया में फ्लो हो सके और ये जो ब्रिक के टुकड़े हैं ये वेस्ट वाटर को सोख सकें। तो जो इसके चारों तरफ ब्रिक के टुकड़े फैले होते हैं इनका काम ही यही होता है कि वेस्ट वाटर है उसको सोखे और उस वेस्ट वाटर को सब सॉइल में ट्रांसफ़र कर दें, जहाँ से वेस्ट वाटर सब सॉइल से होता हुआ मतलब प्योरीफाई होता हुआ ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता है। तो ये पूरा साइज है सोक पिट का। इसका साइज 9 फीट है और जो बीच का जो स्क्वायर चैम्बर है उसका साइज 2 फीट है। और जो चारों तरफ जो ब्रिक वर्क किया गया ये भी हनी कम होता है, यानी कि इसमें भी मधुमक्खी छत्ते जैसे होल होते हैं जिससे कि जो वेस्ट वाटर है वो सॉइल में चला जाता है और वहाँ से प्योरीफाई होकर ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये होता है सोक पिट। अब इसका एक और एडवांटेज क्या है, अगर इसको आप बनाते हैं तो आपका जो बाथरूम और किचन से जो वेस्ट वाटर होता है वो उसको हम इसके इसमें डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो इसका साइज इतना बड़ा है क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए बनाया गया। तो ये था सेप्टिक टैंक और सोक पिट किस तरह से काम करता है उस टॉपिक पर वीडियो। तो होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।